जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज का गीता ज्ञान, छठा अध्याय, आत्मसंयम योग। हर्ष शोक त्याग कर मान और अपमान, देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान। स्तुति गाली सम जान कर जीवन करे व्यतीत, मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान। दुख सुख सम जाने वही उत्तम नर पहचान, वह योगी है संसार में हे अर्जुन धीमान। उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत, मुक्त जीव वह जगत में यूं कहती भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यास को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योगारूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रियों भोगों हुए कर्मों से निलेप हो, ऐसे ही प्राणी का आत्मोद्धार होता है। हे पांडु पुत्र, जिसका अंतःकरण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाए तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखें। उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणायाम की मुद्रा में निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मुझ परमात्मा का ध्यान करें। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है, मुझ में ही लीन हो जाता है, सब कुछ खो बैठता है, वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खोने सोने व जागने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। जिसका मन नित्य के अभ्यास से वायुहीन स्थान पर जलते दीपक की लौ की भांति स्थिर हो जाता है वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन छिन होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी स्वर्ग के भोग भोगने के बाद नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है, अर्थात उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। वह नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति संभाव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योगी होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे।